था विपुल तब घर में हो गई थी बत्ती गुल। बेटा जी बिजली की कदर तो तुमने ही सिखाई है, दो दिन बाद जो घर में बिजली आई है। पापा मारा छोटी मोटी गलतियां करता हूँ लेकिन बड़े जिम्मेदारी से ना मुकरता हूँ। बीते नवंबर जब मैं हुआ 18 साल टाइम पर फॉर्म नंबर 6 भरा और कर लिया वोटर रजिस्ट्रेशन तत्काल। वाह बेटा इतनी सजगता जो तुमने दिखाई है, सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने की तुम्हें बधाई है। हर नागरिक जो January 1 तक पूरा करेगा 18 साल वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। बिल्कुल, और आज जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के अंतर्गत गया शहर के टावर चौक से साइकिल रैली को DM अभिषेक कुमार सिंह और SP राजीव मिश्रा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गया DM सहजिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में निकली रैली टावर चौक से निकलकर GB रोड कजियारी रोड काशीनाथ मोड़ होते हुए गांधी मैदान पहुंची। रैली में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए शामिल हुए। इस मौके पर DM अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि बदले समय में प्रशासन के लिए अब चुनाव कराना नहीं बल्कि सबसे मतदान कराना महत्वपूर्ण है। रैली के माध्यम से जिले भर के लोगों को मतदान करने की अपील DM अभिषेक कुमार सिंह ने की। इस मौके पर SSP राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त सावन कुमार, SDM इंद्रवीर कुमार, ADM मनोज कुमार, DPRO शंभुनाथ सहित कई अधिकारी और आम लोग मौजूद थे। देखिए आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में 2009 में प्रस्तावित है, इसके मद्देनजर स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत आज साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि अपने अपने क्षेत्रों से मतदान के लिए भारी से भारी संख्या में घर से बाहर निकलें, वोटिंग करें, और अगर आपका नाम एनरोल नहीं हुआ है तो एनरोल भी करें। मैं सभी आवासीय कामगारों से, सभी ऐसे जो हमारे युवा हैं 18 वर्ष 19 वर्ष के हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना आप एनरोलमेंट जरूर कराएं अगर नहीं हुआ है, और जब भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान की घोषणा की जाती है तो उस दिन अपने बूथ पर पहुँच कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का।